सभी को नमस्कार। एम आर सी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। टॉपिक का नाम है असामान्य आणविक द्रव्यमान। या इसे बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी द्रव्यमान होता क्या है तो वो देखिए अपना आज डिटेल करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो अणुसंख्यक गुणधर्म अपने जो पढ़े थे चार, कौथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन, प्रासरण दाब एवं वात दाब का अपेक्षित अवनमन। तो इन अणुसंख्यक गुणधर्म से विलय के अणु भार की गणना तब ही सही प्राप्त होते हैं जब नंबर एक विलयन तनु हो। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु, यानी विलयन तनु हो तब ही अपना वास्तविक अणु भार की गणना कर सकते हैं। यानी विलयन कैसा होना चाहिए? राबर्ट के नियम का पालन करना चाहिए। नंबर दो कंडीशन है विलय का, विलय का विलयन में न आयनन हो, न आयनन। ध्यान रखना आयनन की जगह वियोजन भी हो लिख सकते हैं, आयनन कह दीजिए या वियोजन। विलय का न आयनन हो और न ही संगुणन हो, यदि विलय को विलय में डालते समय न तो उसका आयनन होना चाहिए न उसका संगणन होना चाहिए और वह विलयन तनु होना चाहिए यानी राबर्ट के नियम का पालन करना चाहिए तभी तो उसके अणु भार की गणना वास्तविक रूप से कर सकते हैं। परंतु यदि किसी विलय को विलय में डालते समय यदि विलय का आयनन हो रहा है, विलय का आयनन हो रहा है या वियोजन हो रहा है तो उसमें कणों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि। वृद्धि कब होती है? जब आयनन होता है, ठीक। यदि उस विलय का संगुणन होगा तो कणों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी। कणों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो किसी विलय को विलय में डालते समय विलयन में विलय का या तो आयनन होगा या संगुणन होगा। यदि आयनन होगा तो कणों की संख्या में वृद्धि होगी और संगुणन होगा तो कणों की संख्या में क्या होगी? कमी हो जाती, जिससे विलयन में जो अणुसंख्यक गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है और इन अणुसंख्यक गुण में परिवर्तन होने की वजह से उसका भार वास्तविक भार के अनुरूप नहीं आ पाता है, जिसे कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। यानी विलय के कणों का आयनन और वियोजन होने की वजह से या संगुणन होने की वजह से अणुसंख्यक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अणुसंख्यक गुण परिवर्तित हो जाने की वजह से उसका आणविक द्रव्यमान वास्तविक आणविक द्रव्यमान के समान नहीं आ सकता, जिसे कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। जैसे मैं ले लिया NaCl, CaCl2, K4, FeCN का होल 6। ये तीन एग्जांपल ले लिए मैंने। मान लीजिए NaCl, CaCl2, K4, FeCN6 को किसी विलयन में डाल रहे हैं तो सपोज कीजिए इसके पूर्ण रूप से आयनन हो रहा है। इन सभी का कैसा आयनन हो रहा है? पूर्ण रूप से वियोजन हो रहा है, 100%, 100% आयनित हो रहे हैं। तो NaCl कितने कण देगा? 2। CaCl2 कितने देगा? 3। और K4 FeCN6 कितने देगा? 5, ठीक है। ये कैसे देगा इसको मैं समझाऊं। सपोज कीजिए आपने NaCl ले लिया, क्या ले लिया? NaCl। ये विलयन में आयनित होकर क्या बनाएगा? Na+Cl-, Na+Cl-। तो कितने आयन हुए? 2। एक Na+, एक Cl-। इधर कितना था? 1। दूसरा बना लिया CaCl2, ये किसमें टूटेगा? Ca2+2Cl-, ठीक। तो कितने आयन हुए? 3। 2 Cl और 1 कैल्शियम, टोटल कितने हुए? 3। तीसरा अपना अपना एग्जाम K4 FeCN का होल 6।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यौगिक है तो संकुल के बाहर के पर्याय में विभाजित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस प्लस ब्रैकेट के अंदर Fe CN का होल 6 4 प्लस माइनस, ठीक है। तीस के कितने आ गए, चार तो पोटेशियम आ गए, एक किलोग्राम टोटल कितने हो गए 5, तो इसका शत प्रतिशत आयनों के कितने अणु दे रहा है 2, ये कितने दे रहा है 3, ये कितने दे रहा है 5 आयन दे रहा है, ठीक है। चूंकि अपने को पता है कि अणुसंख्यक गुण होते हैं, अणुसंख्यक गुण होते हैं, मौलिक द्रव्यमान के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः उपरोक्त यौगिक का अणुभार, उपरोक्त यौगिक का जो अणुभार है वास्तविक अणुभार का कितना प्राप्त होगा, इससे कितना अणु आ रहे थे 2, वास्तविक इधर कितना 1, तो कितना प्राप्त होगा 1/2, कितना प्राप्त होगा 1/2, इसके कितने आ रहे थे 3, ये वास्तविक भार कितना प्राप्त होगा 1/3, ठीक है। इसके कितने आ रहे थे 5, वास्तविक भार का कितना प्राप्त होगा अपना 1/5, ठीक है। तो वास्तविक भार कितना प्राप्त है 1/2, ये कितना प्राप्त है 1/3, ये कितना प्राप्त है 1/5 प्राप्त हो रहा है, तो वास्तविक आणविक द्रव्यमान में परिवर्तित हो रहा है, ये इसके क्या कहला रहे हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। इसी प्रकार अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसिटिक अम्ल बेंजोइक अम्ल आदि का उदाहरण लिया जाए, तो जैसे CH3COH बेंजोइकल C6H5COH यदि आदि को लिया जाए तो ये जो है आपस में हाइड्रोजन बंध और क्या बना लेते हैं द्विलोक बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका ले रहा हूं CH3COOH, इसके लिए ले मैंने 2, ये क्या होगा द्विलोक बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, एक और दूसरा ये आपस में किसे जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, किसे जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कहलाता है एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन में तो आपने पढ़ा होगा एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर के अंदर, तो इधर दो अणु मिलकर आपस में कितना अणु बना रहा है एक, कितना बना रहा है एक, तो इसका जो ये क्या बन गया इसका द्विलोक, क्या बन गया द्विलोक बन गया, तो इसका जो एसिटिक एसिड या बेंजोइक अम्ल जो भी इसका अणुभार वास्तविक अणुभार का क्या प्राप्त हो रहा है 2 गुना प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है 2 गुना प्राप्त हो रहा है, तो यदि इसके ऊपर अपन वन टाप गुणांक की पहचान तो वन टाप गुणांक कितना आता है 1/2 यानी 0.5, ठीक है। तो ये जो अपना आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से परिवर्तित प्राप्त हो रहा था इसे बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। यदि वह संगुणित हो रहा है तो कणु संख्या क्या होती है कमी, आणविक द्रव्यमान क्या होता है परिवर्तित होता है, वियोजन हो रहा है तो भी वह क्या हो जाता है कणु संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होने से अणु संख्या गुण में क्या हो जाती है कमी आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार इसका आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान कैसे प्राप्त होगा 2 गुना, कैसे प्राप्त होगा 2 गुना, ठीक है। इस बेंजोइक अम्ल के ऊपर वैसे तो अपना टॉपिक आ रहा है वन थाप गुणांक, जस्ट इसके आगे अपना टॉपिक वन थाप गुणांक रहेगा। इस बेंजोइक अम्ल के अंदर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, पर क्वेश्चन क्या था बेंजोइक अम्ल के लिए वन थाप गुणांक का मान होता है, बेंजोइक अम्ल के लिए वन थाप गुणांक का मान होता है, एक नंबर में क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट लिखना था, तो इसकी डिटेल तो वहीं पर हल्का सा बता देता हूं कि इसका आंसर आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5, क्योंकि इधर बेंजोइक अम्ल जैसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं इसके इधर क्या ले लेंगे अपन C6H5 2, यहां पर क्या हो जाएगा अपना C6H5 और यहां पर क्या हो जाएगा C6H5, ठीक। तो उदाहरण संख्या कितनी आ रही है एक, ये टोटल दोनों मिलकर क्या बना रहे द्विलोक बना रहे, अणु संख्या कितनी आ गई एक, इधर कितनी है अपन ने 2, भाग देंगे तो आंसर कितना आता है 0.5, ठीक है। ये था अपना असामान्य आणविक द्रव्यमान, यदि किसी विलायक को विलायक में डाले तो आयनन या संगुणन और उसके आधार पर जो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है अणुसंख्यक गुण परिवर्तित हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका आणविक द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कल।